तो मेरे बच्चों ने झट से छिल्ली या मक्खियाँ बंद निकाल दी और यह मैं आने के लिए जल्दी करने के लिए रखा, यह आने के लिए बाहर रख दिया। उनको धूप में सुखा देंगे ना तो हार हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे वो डरे ऐसे से मस्त खुजली खुजली बरस। इधर मैं बताती हूँ कैसे ब्रश बनता है इसको, जल्दी है ना। पापा अपना हाथ बैठे यहाँ पे, हाथ करो अपना, ये देख अच्छा है, अच्छा है अनु। नहीं है ये भैया के लिए रख दो इसको ना। अरे खुजली करने के लिए तो मैं इनको ना अब जल्दी से कर लेती हूँ बॉइल, बना देते हैं हम खाजी सर। दोस्तों मैं यहाँ पे ना खाजा बनाने के लिए घी में मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। मक्की तो बॉईल हो गई है मेरी, जो मक्की और दाल थी वो मैंने बॉईल करके निकाल दी है। तो मेरी मूंगफली ना अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो मैंने यहाँ पे तड़का ले लिया है। ये है जख्या यानी कि पहाड़ी जीरा, और ये जीरा और ये हींग, तो मैं ना इसको यहीं पे डाल देती हूँ किनारे पे। थोड़ा सा जो पहाड़ी जीरा है ना वो मैंने थोड़ा सा डाला है, क्योंकि वो रावत जी को और बच्चों को पसंद नहीं है। इसमें ऑयल वो ना बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे ये मसाला वो है जो तड़का, ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक मिर्ची और धनिया पाउडर और क्या नाम है हल्दी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पक गया है मसाला भी, अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉइल किए हुए मक्की और ये क्या नाम है सोयाबीन की दाल, और थोड़ा सा ही खाएंगे क्योंकि वो तो ज़्यादा हो गई ना क्वांटिटी, तो हम लोग कम ही खाएंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो दोस्तों ये खाजे बन गए हैं हमारे, और ये वाले ना हम आजकल ही खाते हैं बरसात में जब मक्की बोने का टाइम होता है ना। ये तो कच्ची मक्की थी, लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या करते हैं ना सूखी मक्कियों का बनता है ये। तो इसको मैं भी सर्व कर लेती हूँ प्लेट में। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाया है, देखते हैं बच्चों को पसंद आता है कि नहीं। तो ये बन गए हैं हमारे खाजे, अब खा के बताते हैं हम आप लोगों को कि कैसे हो रहे हैं। तीनों को पूछा जाए कि कैसे हो रहे हैं बाबू। अच्छा। आरा बान्या तो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, और रावत जी ने खाए होंगे पहले, खाए हैं आपने पहले? नहीं नहीं खाए, हमने तो बहुत खाए हैं। अभी कैसे लग रहे हैं आपको फर्स्ट टाइम? अच्छा अच्छा है, अच्छा कॉफ़ी चाय हो जाए। वो बना रही हूँ अभी थोड़ा सा रुको। हाँ हाँ वो तो बना रही हूँ बना रही हूँ, मैं अभी खा लूँ पहले फिर बनाएंगे, है ना। तो बन गई है रावत जी के लिए चाय कॉफ़ी और बच्चों के लिए दूध। देखो गरम तो नहीं है ज़्यादा, हल्का गरम किया मैंने। आराम दूध तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी ग्राउंड में जाने के लिए। आरब का है कि मैं शूज़ पहन के नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है चप्पल पहन के। तो हमने कहा भाई तो कुछ भी खेल, पहले हम फुटबॉल भी रख लो,
हाँ फुटबॉल खेले भी हो सकता है। तो बोला कि मैंने चप्पल पहन की, चप्पल पहन के कोई क्रिकेट खेलते हैं, और आज है संडे तो संडे को ना मैंने साड़ी का भी वो बोला था लेने के लिए, तो उसका भी बिल ले जा लेती हूँ, ये क्रिकेट खेलेंगे तो तब तक मैं और मेरी फ्रेंड साड़ी लेके आ जाएंगे, है ना, अपना भी काम हो जाएगा। तो चलते हैं अभी ग्राउंड के लिए। लो आपका फोन, आनो वाला डोर क्लोज कर दे बेटा, जाम लगा हुआ है। आगे रावत जी जा रहे हैं, दोनों बच्चे आगे चले गए साइकिल में, कपड़े तक कपड़े टंगे हुए हैं, इधर सब्जी फ्रूट नारियल पानी। उधर खड़ी हो रखी है, उसका भाई कहाँ होगा, भाई दिख रहा है कहीं, भाई कहाँ है बेटा, परसों यहाँ इतने बच्चे नहीं थे, कम बच्चे थे। ये है केबी स्कूल का ग्राउंड, दर्शन और है ना, दर्शन है आज नहीं करता नहीं। भाई किधर को गया था देखा नहीं आपने, इधर को आया था, मुझे लगा दूसरे ग्राउंड में गया होगा। हमारे तीनों बच्चे गायब, ब्लैक करना तो इसको ऐसे देखना है, वहाँ जाएगा तो ये उंगलियाँ भूल ली है, ठीक है, और ऑपरेशन करने तो यहाँ से ऐसे देखना, ठीक है, कैच करो, अंकल साड़ी तैयार हो गई, पूरी बांधनी माल है, 40,000 से शुरू है, 40,000 तक है बोला, और पाँच हजार क्या, कौन सा चोला, घाट चोला, घाट चोला लग तो अच्छा रहा है, अच्छा लग रहा है, मैरून वाला वैसे तो ग्रीन वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैरून वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसने सैटरडे को आना था ना, तो मैंने कहा था संडे को आऊंगी मैं, मैरून वाली अच्छी लग रही है अभी से। पानी साड़ी और ये है मैरून कलर और दूसरा ग्रीन, मैरून वाला ज्यादा अच्छा है।
तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर पे और साड़ी शॉप पे ना हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरी साड़ी जो थी वो चर्क होने गई थी। तो कितने दिनों से बताओ, मंडे को मैंने ली थी, उन्होंने सैटरडे को बोला था, आज भी नहीं आई थी। जब वहाँ पे जाके फ़ोन किया अंकल ने, मैं गई वहाँ पे तो अंकल ने साड़ी ढूंढी कि साड़ी तो है नहीं, टाइम सैटरडे का था। तो मैंने उनको बोला था कि मैं सैटरडे को नहीं, मैं संडे को आऊँगी, तो क्या नाम है, साड़ी आई नहीं थी। उसके बाद जाके उनको फ़ोन किया, डांटा, तब जाके मेरी साड़ी आई, तो मैं साड़ी लेके, और वो भी टाइम लगा था। ये पल्लू है, ऐसा ब्लाउज है और बॉर्डर भी यही है, ऐसा ही है, और बाकी साड़ी ऐसी है ग्रे कलर की। दोस्तों ना आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।